हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो आप सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, इसीलिए मैं आज ये टॉपिक आपके सामने लाई हूँ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कूल में, कॉलेज में, जब भी हमसे कहा गया हो कि स्टेज पे जाना है और कुछ बोलना है तो हमें बहुत डर लगता है। I also have one of my students और उसकी भी एक story है, so I would like to share with you और शायद आप अपने आप को उससे relate कर पाएंगे। तो वो बचपन से ही जब भी उसको school में कुछ भी presentation के लिए या speech के लिए बोलते थे, so एक अलग सा डर उसके मन में बैठ जाता था, वो बहुत nervous हो जाता था। वैसे he was very good at study, बहुत अच्छा उसका academic performance था, लेकिन जब भी उसको स्टेज पे जाने के लिए बोलते थे तो एक पैनिक स्टेज में वो आ जाता था, नर्वस हो जाता था, और कई बार वो कॉलेज ही नहीं आता था जिस दिन अगर उसको नाम वॉलंटियर करना होता था, या फिर वो कहीं छुप जाता था। मतलब स्कूल टाइम में इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम कि वो अपने टीचर से मना भी नहीं कर सकता था, एंड देन वो स्टेज पे भी नहीं जाना चाहता था। देन अल्टीमेटली ही एंटर्ड द कॉलेज एंड देन ही ट्राइड, सो वी वर्कड ऑन हिम, वी ट्राइड डिफरेंट टिप्स एंड नाउ ही इज अ वेरी गुड स्पीकर एंड बिलीव मी ही ओवरकम्ड हिज फियर। उसने अपने फियर पे, अपने डर पर जीत हासिल की और आज वो एक बहुत अच्छे से स्टेज फियर उसने अपना दूर कर लिया। तो जी हाँ, टॉपिक जो है आज का दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम स्टेज पर जाते हैं, और इसका कोई भी आपके एजुकेशन से या आपके एक्सपीरियंस से लेना देना नहीं है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग, बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी स्टेज पे जाकर नर्वस हो जाते हैं, राइट? अब आप लोगों ने अपना 10th, अपना 12th स्कूल लाइफ के बाद, अब आप कॉलेज लाइफ में आएंगे, वहां बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको स्टेज पर आकर अपने व्यूज रखने होंगे, कुछ प्रेजेंटेशंस देनी होंगी, पब्लिक स्पीकिंग बहुत सारा करना पड़ेगा। तो हम इस डर, कब कब तक इस डर को लेकर बैठे रहेंगे और कब तक इस सिचुएशन से भागते रहेंगे? सो लेट्स हैव अ सोल्यूशन टू इट। तो कुछ टिप्स हैं जो आज हम आज इस वीडियो के थ्रू यहां पर डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद मे बी अगर आप उन्हें ट्राई करेंगे सो थिंग्स विल बिकम अ लिटिल डिफरेंट फॉर यू। सो द फर्स्ट टिप दैट यू कैन ट्राई इज यू शुड प्लान। अगर आपके सामने कोई पब्लिक स्पीकिंग का या कोई प्रेजेंटेशन का टॉपिक आया है तो पहले उसको प्लान कीजिए प्रॉपरली। अगर आप उसे प्लान करते हैं एक पेपर पे, एक अपने एक नोटबुक में, कि मुझे पहले ये बोलना है फिर ये बोलना है, एंड देन उसको आप अपने प्रेजेंटेशन में बनाते हैं और फिर बोलते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सेकेंड इज यू शुड प्रैक्टिस। बहुत जरूरी है, ऐसा मत सोचिए कि ठीक है मैंने अभी लिख लिया है अब मैं जाकर उसे बोल दूंगा। नहीं, आपको मिरर के आगे अपने आप को प्रैक्टिस करना चाहिए। मिरर इज अ वेरी गुड फ्रेंड, बिलीव मी गाइस। अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना जो भी स्पीचेस हैं वो प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस को देखेंगे और आपको लगेगा कि यस, मैंने एक इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखा है। सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, देन एंगेज विद योर ऑडियंस। नाउ वंस यू हैव प्रैक्टिस एंड नाउ यू आर अप विद द ऑडियंस, इस वक्त आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ऑडियंस के साथ एंगेज करना है। कैसे करेंगे आप एंगेज? आपको उनके साथ इंटरैक्टिव रहना है। ऐसे नहीं कि बस आप बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, जो भी आप you know, आपने बाई हार्ट रटा होगा आप बस वो बोल दे रहे हैं और आपको लग रहा है बस ये किसी तरह खत्म हो जाए। नहीं, आपको अपने आप को इंटरैक्टिव बनाना होगा, आपको इंटरेस्टिंग बनानी होगी अपनी प्रेजेंटेशन कि लोग आपको सुने, तभी उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो आपको वो इंटरैक्शन क्रिएट करना होगा। ओके, देन वी हैव टू पे अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है। आप किस तरीके से खड़े हैं, आपका ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट है कि नहीं, आप थोड़ा स्माइल कर रहे हैं कि नहीं, आपके हैंड मूवमेंट्स हैं कि नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही डिसइंटरेस्टेड या बोरिंग साउंड कर रहे हैं या लग रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, दिस इज अनदर टिप। एंड देन द नेक्स्ट वन इज यू हैव टू थिंक पॉजिटिव।
ये चीजें देखिए एक मैजिक है। अगर आप खुद अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं अगर स्टेज पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो मैं अच्छा ही करूंगी, अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो बिलीव मी यू विल बी एबल टू डू इट। सो प्लीज बी पॉजिटिव इन दैट। ओके, देन कोप विद योर नर्व्स। नाउ दिस मींस दैट सबके मन में फियर रहता है, ऐसा मत सोचिएगा कि जब भी आप स्टेज पर खड़े होते हैं तो पहली बार में यू आर जस्ट यू नो प्रो और आप जाएंगे और फटाफट बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। पहली बार में जब भी मैं स्टेज पर जाती हूं मेरे लेग्स वाइब्रेशन मोड पे होते हैं, मेरा जो बोलना है वो साइलेंट मोड पे चला जाता है एंड आई एम जस्ट यू नो गॉन, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं ब्लैकआउट हो जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। तो आपको इससे डरना नहीं है, आपको ये सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि पहली बार में मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे डर के भाग जाना या उस पर गिव अप कर देना ये ठीक नहीं होगा। तो आप वर्स्ट सिचुएशन को भी सोच करके आगे का सोचिए और उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। देन what you can try more is you can always watch recordings of your speeches. तो जो भी आप ने प्रिपेयर किया है उसको घर में, अब तो आप लोगों के पास इतने अच्छे डिजिटलाइज्ड स्मार्टफोन्स हैं तो आप उससे हमेशा एक वीडियो बना सकते हैं। यू कैन ऑलवेज मेक वीडियोस फॉर योरसेल्फ एंड ट्राई टू सी कि आपने उसमें क्या गलती कर रहे हैं, वहां पर क्या गलत हो रहा है। यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारे टिप्स लेंगे, ये सारे टिप्स को ट्राई करेंगे सो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। हम कोशिश हमेशा कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप से कि हम इसको ट्राई करें और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेटर बनाएं। सी रिमेंबर दिस दैट इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू यू नो गेट इन टू दिस मोड। आपको ये अपने फियर से बाहर आना होगा क्योंकि अपने किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में आपको अगर आगे बढ़ना है, इवन अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना है तो इंटरैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कॉन्फिडेंस विल कम व्हेन यू विल स्पीक कॉन्फिडेंटली, राइट? सो प्लीज ट्राई दिस टिप्स एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।